और अब खबर बिहार से, जहां नीतीश कुमार अपनी पार्टी से किसे राज्यसभा भेजेंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल रात जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की नीतीश कुमार से लंबी बैठक हुई, लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि उम्मीदवार वही होंगे या नहीं। पटना में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह रात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से निकले। उनसे मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही आगे निकल गए। सर, 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 थोड़ा सा। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह के साथ बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इस सस्पेंस से पर्दा अभी भी नहीं उठा कि आरसीपी सिंह ही राज्यसभा जाएंगे या नहीं। आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले 10 जून को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 2 सीट बीजेपी, 2 सीट आरजेडी और 1 सीट जेडीयू को मिलनी तय मानी जा रही है। उस इकलौती सीट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की फिर से दावेदारी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आरसीपी सिंह की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों से नीतीश कुमार खुश नहीं है। यही वजह है कि आरसीपी सिंह के नाम पर अब तक पेज फंसा हुआ है। इसलिए पटना में कल आरसीपी सिंह की सीएम नीतीश कुमार और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात अहम रही। पूर्णिया सिटी जानिए। पूर्णिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।